Hi everyone, this is Paral, your of फिर उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं मॉक सेवन तक हम पहुंच गए हैं और आज के जो सेशन में ना आज के सेशन की एक खास बात है खास बात यह है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एग्जाम ओरियंटेड जनरली हम लोग अभी से पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे कैसे कर रहे थे जो हमारे पुराने वाले sessions थे उसमें हम लोग लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखते थे बट अभी आज क्योंकि अभी आपके जो आपका जो आपका एग्जाम है उसको टाइम बहुत कम बचा है तो जरूरी है कि आप कैसी तैयारी करो वैसी तैयारी करो जैसे अब तक हमें ये नहीं पता कि इस साल कैसा लेवल आएगा बट जित जैसा ट्रेंड देखा गया है हर साल इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है पेपर आजकल आसानी आ रहा है आसान की वजह से कट ऑफ आई जाता है तो उसी के हिसाब से ये जो पेपर है आज का जो मिनी मॉक है वो बिल्कुल वैसा सेट किया गया है, जैसा आपका अब तक पेपर पूछा गया है जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो जल्दी से मुझे बता दो कैसे हो आप सभी फिर उसके बाद में हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं चलो बता दो जल्दी से कैसे हो आप सभी मैम आज आपकी पहली बार क्लास अटेंड कर रहा हूं वेलकम कैसे हो सभी जल्दी से बता दो कैसे हो फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे आपके आप अगर कभी पिछले साल का पेपर जो स्टूडेंट्स देकर आए होंगे उनको देखकर लगेगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे आसान क्वेश्चन थे बट हां अगर आपके पेपर में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको एक चीज ना गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप आईबीपीएस आर आरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिम्स का पेपर दोगे ना हर एक स्टूडेंट को आता होगा हर एक स्टूडेंट उसे बना सकता है इतना आसान पेपर आता है हर स्टूडेंट चाहे मिसलेनियस हो चाहे पजल हो हर एक तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हो लेकिन बात क्या आ जाती है क्योंकि आसान पेपर है तो आपको उतना ही मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है जो चीजें आपको आती है उसी में ही एक्सेल करना है उसी को ही जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो चीजों को टाइमर के साथ सॉल्व करना जरूरी है इसीलिए बोलती हूँ मैंने अभी लास्ट एक सेशन था मोक्स दे रहे हो टाइमर के साथ जरूरी है ऐसा नहीं मौका एक क्वेश्चन उठाया उसको पोज कर दिया और फिर सोल्व करने बैठ गए कर, ऐसा नहीं करना चलो चलो सब बढ़िया है अगर आप बढ़िया हो तो फिर मैं भी बढ़िया हूं चेकलिस्ट आज आपको चेकलिस्ट नहीं मिला जी मुझे पता है चेकलिस्ट आपको कल से मिल जाएगा आज एक छोटा सा प्रॉब्लम था तो उसको रिजॉल्व करने में टाइम ज्यादा ही लग गया तो फिर कल से आपको चेकलिस्ट फिर से मिलेगा बस आज का एक दिन का गैप हो गया आशीष अरोड़ा सर कैसे हैं आप पूछते नहीं हो क्या उनसे हाँ मुझसे पूछ रहे हो चलो बहुत ही बढ़िया अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा तो जो स्टूडेंट्स पहले ये इंग्लिश इंग्लिश में तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी ही क्वेश्चन तो पहले हिंदी में जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स फिर इसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं चलो आई होप सभी ने ले लिया होगा सो so, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने पहले एक चीज बता देती हूं आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं टेलीग्राम का पूछ रहे हैं तो आपको हर रोज पीडीएफ मिलता है मंडे टू सैटरडे आपको हर रोज पीडीएफ मिलता है चेक मिलता है तो कहां पर मिलता है टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है @parul mam टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है ये @parul mam रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा के नाम से है चैनल आप वहां पर ज्वाइन हो जाओ और वहां पर आप देख सकते हो कि कितने कितनी सारी चेकलिस्ट ऑलरेडी है 50 से ऊपर चेकलिस्ट वहां पर है आप वहां से कंटेंट एक्सेस कर सकते हो 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ठीक है चलो तो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने आप सभी ने देख लिया होगा क्वेश्चन को तो चलो स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हैं अब क्या कहता है एट फ्रेंड्स आठ लोग हैं

इमीडिएट ने दो फीच उधर कोई भी दो मेल्स आपस में साथ में नहीं बैठेंगे इकट्ठे नहीं बैठेंगे ठीक है कहता है बी इज अ फीमेल बी इज अ फीमेल एंड सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हम लोग क्या करते हैं हमारा एट पर्सन का अरेंजमेंट है सभी के सभी सेंटर फेसिंग है हमने ये बना दिया कहता है बी इज अ फीमेल एंड सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है कैसे पता चलता है हमें पता चलता है अगर हमें इंटर कनेक्शन मिलता है इंटर कनेक्शन अगर साथ के साथ मिलता है तो हम इसको अलग से नोट नहीं करेंगे सीधा यहाँ बनाएंगे ठीक है अब जरा देखो बी इज अ फीमेल बी कौन है फीमेल है और डी के सेकेंड राइट पर डी इज अ मेल एंड इज नॉट एन इमीडिएट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी सी इज अ मेल एंड सिट्स अब एक चीज देखो एच थर्ड टू द राइट ऑफ सी सीट पर मेल से राइट ऑफ ए हमें यहां पर इंटर कनेक्शन मिला इंटर कनेक्शन मिला ना यहाँ पर एच सी और ए का मिला और ऊपर ये भी पता चला की डी इज अ मेल एंड इज नॉट एन इमीडिएट ने डी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है तो अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है जहां से आपको इंटर कनेक्शन मिल रहा है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और वैसे भी क्वेश्चन आसान है विद इन टू मिनट वाला क्वेश्चन है दो मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कहता है एच सेट थर्ड टू द राइट ऑफ सी एच कहां पर बैठता है सी के थर्ड राइट right पर सी आपका यहां पर आया इसके थर्ड राइट right पर हमने किसको बनाया एच को बना दिया ठीक है कौन है? है है? एक ये हमने हमने कर लिया. पर पर. पर पर बैठता के के तो आ गया. को बना दिया. इतना क्वेश्चन हो गया अब हमने ऊपर क्या छोड़ा था जरा ये देखो बी इज अ फीमेल बी कौन है एक फीमेल मेंबर है टू द राइट ऑफ डी डी के सेकंड राइट पर आएगी कौन बी डी सेकंड राइट पर बी एक फीमेल मेंबर डी कौन है डी इज अ मेल है डी इज मेल मेंबर ऑफ ए डी और ए आपस में साथ में नहीं आएंगे ठीक है है. उसने चीज बोली है. अब देखो जी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ जी कहां पर है एफ के सेकेंड राइट right पर कौन है एफ के सेकेंड राइट right पर है जी ई इज अ मेल एंड इज नॉट एन इमीडिएट E जो है वो है मेल मेंबर ई मेल मेंबर है लेकिन ये एफ के साथ में नहीं आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी हमने यहां पर नोट कर लिया पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया है अब बस इसको बनाना ही है देखो कैसे बनाएंगे इतना हम बना चुके हैं सी के थर्ड राइट right पर उसने बोला था एच था एच थर्ड टू द राइट ऑफ सी सी इज अ मेल एंड सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए ये भी हमने बना दिया अब हमें पता है डी और ए दोनों आपस में क्या है साथ में नहीं आएंगे डी और ए आपस में साथ में नहीं आएंगे तो डी ना तो यहां पर आ सकता है ना यहां पर आ सकता है ये जगह जगह डी के लिए कैंसल्ड है अब इसके बाद में डी के सेकंड राइट पर बी आना चाहिए अब सी यहाँ पर है तो डी क्या इस जगह पर आ सकता है डी क्या इस जगह पर आ सकता है नहीं आ सकता क्योंकि दो मेल मेंबर्स कोई भी दो मेल मेंबर साथ में नहीं बैठते हैं उसने बोला है तो डी आपका यहां पर भी नहीं आ सकता अभी अब इसके अलावा डी आपका कहां पर आ सकता है डी अगर आपका यहां पर आएगा ठीक है डी आपका यहां पर आता है उसके सेकंड राइट right पर भी यहाँ आएगा एक ही जगह तो बचती है डी फिर यहीं आएगा यहां के लिए कैंसिल यहां के लिए कैंसिल यहां के लिए कैंसिल ठीक है डी को वहां पर भी नहीं बना सकते उसके सेकंड राइट right पर ए आ जाएगा तो डी आपका यहां पर आएगा उसके सेकंड राइट right पर बी आपका यहां पर डी कौन है मेल मेंबर है नोट कर लिया बी कौन है फीमेल मेंबर इतना कर लिया अब इसके बाद में देखो उसने क्या बोला है ई एक कौन है अब हमारे पास टोटल तीन मेल मेंबर्स है। यहां पर देखो हमने नोट किया हुआ इसका थोड़ा सा फायदा उठाते हैं अब हम ये देखते हैं कि ई e कहां पर आएगा डी यहां पर है सी यहां पर है ई e यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि ई e मेल मेंबर है ना यहां पर आ सकता ना यहां पर आ सकता ई e के लिए एक ही जगह बचती है यहां पर ठीक है e ई जो मेल मेंबर है वो यहां पर आ जाएगा ई e जो मेल मेंबर है वो यहां पर आ जाएगा ई e और एफ दोनों साथ में है नहीं उसने कहा था ठीक है तो एफ यहां पर नहीं है अब इसके अलावा और क्या बचता है हमारा यहां पर डी और ए साथ में नहीं है ए यहां पर है डी ठीक है डी और ए वैसे भी साथ में नहीं है डी के सेकंड राइट right पर भी है इसको भी हम नोट कर चुके हैं इसको नोट कर चुके हैं इसको बना चुके हैं ई e और एफ साथ में नहीं है ये भी हो चुका है एफ के सेकंड राइट पर कौन आएगा जी आएगा एफ के सेकंड राइट पर जी एफ के सेकंड राइट पर जी यहां पर आ गया सो so, क्वेश्चन जो है वो आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आपका यहां पर बन चुका है आप जल्दी से बताओ किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है चलो बहुत ही बढ़िया सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से अब आप सभी को क्या करना है मुझे क्वेश्चन के आंसर देने हैं सो so, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ़ ई ई के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं जी ई बी डी ए सी बी ए या फिर नन ऑफ दिस जल्दी से बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे बताओ सभी सभी आंसर दो जल्दी से चलो सभी का आंसर आ गया है डी ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट करेक्टर नेक्स्ट वट इज ईज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू डी ई की पोजिशन आपको बतानी है डी के रिस्पेक्ट में सेकेंड टू द राइट इमीडिएट लेफ्ट थर्ड टू द राइट सेकंड टू द लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी स्टूडेंट जल्दी से बताओ बताइए सभी जल्दी से चलिए सभी का आंसर आ गया कह रहे हैं सी थर्ड टू द राइट आएगा हां जी बिल्कुल यही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ए सी और ए के बीच में exactly बीच में कौन बैठता है इसका बताओ एफ बैठता है बी बैठता है डी e, कौन बैठता है जल्दी से बताइए सभी और क्वेश्चन समझ में आया सभी को सेशन समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूं तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो कंजूसी मत दिखाओ ना इसमें सभी के सभी सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन सभी कह रहे हैं एफ आएगा चलो मान लिया आपकी बात अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स को दिखा देते हैं जिनको हिंदी में देखना है क्वेश्चन वो यहां से देख सकते हैं स्क्रीन ले लीजिए सभी सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको हिंदी में क्वेश्चन देखना है उसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं मैम हिंदी में बताओ मैं हिंदी में ही तो क्वेश्चन को पढ़ा रही हूँ इंग्लिश में थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ इंग्लिश को ट्रांसलेट ही तो करती हूँ हिंदी में चलो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने इसे सॉल्व करते हैं देखो क्या कहता है रवि विजिट्स सेवन डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन अ वीक एक वीक में रवि जाता है सात अलग अलग जगह पर ठीक है ही मेक्स ओनली वन विजिट ऑन ईच डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे नॉट ने सेम ऑर्डर ठीक है मंडे टू संडे वो हर रोज एक अलग जगह पर जाता है घूमने के लिए ठीक है कहता है ही विजिट्स कुतुब मीनार इधर ऑन वेंसडे और ऑन सैटरडे यानी कि मंडे टू संडे हम लोग पहले इसे नोट कर लेते हैं क्या कहता है उसने क्या बोला है रवि जो है वो कुतुब मीनार देखने के लिए कब जाता है या तो जाता है वेंसडे को या फिर सैटरडे को आपको अब, अब उसने बोला है तो दो जगह आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा किसको रवि जाता है कब वेंसडे कुतुब मीनार या फिर सैटरडे को कुतुब मीनार ठीक है ये हमने बनाया आगे ही विजिट्स ओनली थ्री प्लेसेस बिटवीन द डेज ऑन विच ही विजिट्स कुतुब मीनार एंड लाल किला क्या कहता है तीन प्लेसेस और जाता है जिस दिन वो कुतुब मीनार देखने जाता है तो उसके और लाल किला के बीच में कितने टोटल प्लेसेस आ गए तीन प्लेसेस यानी कि तीन दिन आ जाएंगे कुतुब मीनार और लाल किला के बीच में आपको तीन का गैप बनाना है कुतुब मीनार ऊपर लाल किला जा नहीं सकता तो लाल किला यहां पर यहां पर है तो 1 2 3 के गैप के बाद लाल किला यहां पर ये दो केसेस हमारे बन रहे हैं पैरेलल ही विजिट्स ओनली टू प्लेसेस बिटवीन द डेज ऑन व्हिच विजिट्स लोटस टेम्पल एंड लाल किला अब लाल किला और लोटस टेम्पल के बीच में कितना यहां पर है दो के गैप के बाद पर लाल किला यहां पर ऊपर जा नहीं सकता तो दो के गैप के बाद लोटस टेम्पल आपका यहां पर आ जाएगा आगे कहता है ही विजिट राजघाट इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ही कहता है कि वो राजघाट कब जाता है इमिडिएटली आफ्टर द डे में राजघाट ठीक है यानी कि आपको दो एडजेसेंट प्लेसेस ऐसे चाहिए जो बिल्कुल खाली हो, दो adjacent places. और किस तरीके से राजघाट जाता है जस्ट बाद में यानी कि इसकोन के जस्ट बाद में आपका राजघाट आ जाएगा तो जरा देखो अगर हम इस केस को देखें तो हमें एक ही जगह दिख रही है इसको यहां पर और राजघाट यहां पर ठीक है अगर हम इस केस में देखें तो हमें दो जगह नजर आ रही है इसकोन राजघाट इसकोन राजघाट यहां पर आ सकते यहां पर इसकोन और राजघाट के इस पर्टिकुलर केस में दो केसेस बन रहे हैं हम लोग आगे चलते हैं सीधा ही विजिट चार मीनार इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ही विजिट ताजमहल ताजमहल के जस्ट बाद वो कहाँ जाता है चार मीनार देखने ताजमहल के जस्ट बाद ठीक है अब इस केस में देखो क्या हमें दो एडजस्टेंड प्लेसेस नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल खाली हो क्योंकि अब उसने बोला चार मीनार वाला कब जाता है ताजमहल देखने के जस्ट नेक्स्ट डे तो ताजमहल के जस्ट नीचे ताजमह के नीचे चार मीनार आएगा यहां पर तो हमें नजर आया नहीं ये हो गया गलत एक तो हमने अभी इसमें देखो क्या बनाना है इसकोन और राजघाट ये बनाना है और एक क्या बनाना है हमको ताजमहल के जस्ट नीचे चार मीनार ठीक है ये बनाना है तो अब उनके लिए यहां पर और यहां पर ये यह दो जगह है कहता है ही डज नॉट विजिट ताजमहल ऑन फ्राइडे ताजमहल वो कब नहीं कब नहीं जाता फ्राइडे फ्राइडे को ताजमहल नहीं जाता यानी कि टीएम के जस्ट नीचे सीएम हमने लिखा हुआ यहां पर नहीं आ सकता तो ताजमहल वो कब जाता है मंडे चार मीनार जाता है ट्यूसडे यानी कि अब आपका इसको और राजघाट जो है वो आ जाएगा आपका इस दिन राजघाट सो नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड इसके बाद भी आपका एक सेंटेंस बचता है एक बार पढ़ लो ही विजिट्स ओनली वन प्लेस बिटवीन द डेज ऑन विच ही विजिट्स लोटस टेम्पल एंड चार मीनार लोटस टेम्पल और चार मीनार के बीच में एक का गया लोटस टेम्पल चार मीनार के बीच में एक का ही तो गैप है यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाया उसने खुद ही हमको हमारा जो आंसर है वो चेक करके दे दिया कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है बताइए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में जल्दी से बताइए किसी को डाउट है चलो बहुत बढ़िया सभी को समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बात पहले मुझे बताओ आपको ये ये लग रहा होगा ना कि ये जो है, आसान है आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान है और ट्रस्ट में आपका जो पेपर आता है ना उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे ये लेवल था जैसा पिछला क्वेश्चन था डिफिकल्ट नहीं होते आसान क्वेश्चन होते हैं आपके आर आरबी क्लर्क प्रिलिम्स की अगर बात की जाए और आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिम्स की बात की जाए फिर से मैं आपको ये चीज बता रही हूँ आप जितने लोग पेपर दोगे ना आप में से सभी स्टूडेंट्स उस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हो बट बात ये आ जाती है कि आप उसको जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है ना उसी टाइम पीरियड में उसको बना लो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं उसी टाइम पीरियड में क्योंकि सभी इस ये जो पेपर होते हैं आई प्रिलिम्स क्लर्क प्रिलिम्स और आरआरबी का क्लर्क प्रिलिम्स इन दोनों में बच्चे फुल ऑन फुल करके आते हैं ठीक है और वहां पर भी अगर किसी के दो तीन क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो फिर सिलेक्शन प्रिलिम्स कट ऑफ प्रिलिम्स की जो कट ऑफ होती है वो भी नहीं क्लियर हो पाती है ठीक है तो इसीलिए ध्यान रखना है आसान क्वेश्चन आएंगे पेपर आपको आता होगा लेकिन बात है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की आप उसी टाइम पीरियड में उस पेपर को सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो मैं बार बार आपको यही चीज कह रही हूँ अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका नेक्स्ट मंथ पेपर है और वो अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो बहुत ही गलत चीज है मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो अभी टाइम है इंप्रूवमेंट आ जाएगा धीरे धीरे जब आप हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा हिंदी में स्टूडेंट्स पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का चलो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने इसे बनाते हैं जल्दी से कहता है आठ लोग हैं एट पीपल लिव इन अ बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज एट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ठीक है एट फ्लोर to का ये क्वेश्चन है तो सबसे नीचे वाला फ्लोर दैट इज नंबर एज वन टू थ्री ये दिया गया है आपको इस तरीके से एट फ्लोर्स का अरेंजमेंट है चलो अब देखो कहते हैं देर इज अ गैप ऑफ थ्री फ्लोर्स बिटवीन जे एंड एल एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर्स जे और एल के बीच में टोटल कितना गैप है तीन फ्लोर्स का गैप है और दोनों ही ओड नंबर पर आते हैं अब इसको बनाने का अभी कोई फायदा है, सच है नहीं जे और एल के बीच में तीन फ्लोर का गैप है दोनों ही ओड नंबर पर रहते हैं इसको बनाने का कोई फायदा अब पहले एक बार जे को यहाँ लेकर चलोगे फिर एल को यहाँ सेवन पर बिठाओगे फिर फाइव पर बिठाओगे काहे कितनी जल्दी है अभी एक सेंटेंस पड़ा है अभी पहले ही अगर इसके केसेस बनाने लग जाओगे तो फिर पेपर नहीं पास होगा नहीं होगा क्वेश्चन को आगे पढ़ो क्वेश्चन को आगे पढ़ो एन लिव्स जस्ट अब एच इसको नोट कर लेते हैं ये नोट करना बहुत जरूरी है जे और एल के बीच में तीन लोग दोनों आएंगे और नंबर्ड फ्लोर पर एन लिव्स जस्ट अब एच एन कहां पर रहता है एच के जस्ट ऊपर एच हु ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एच कहां पर रहता है इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है इसे हमने नोट कर लिया क्योंकि कहां बनाए अगर हम ऐसे बनाने लगे एच को एक बार यहां एन को यहां एच को यहां पर फिर उसके ऊपर एच को यहां पर ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे नहीं करना है चलो आई है ऑन फ्लोर नंबर पर रहता है Sixth floor पर रहता है. ओनली वन पर्सन between बिटवीन एल एंड एल और M दोनों के बीच में एक रहता है. एल और एम दोनों के बीच में एक पर्सन रहता है जे लिव्स above आई कहता है जे जो है वो आई के ऊपर अब आई के ऊपर जे आएगा हमें पता है जे ने आना है odd numbered फ्लोर पर तो अब पता चल गया जे आपका यहाँ पर वन टू थ्री के गैप के बाद एल यहां पर दोनों ओड नंबर पर होने चाहिए आ गए अब थ्री पर्सन लिव बिटवीन के एंड एच के और एच के बीच में तीन लोग रहते हैं उसने कहा है के और एच के बीच में तीन लोग अब देखो इतना बना लिया अब हम क्या करें एच आएगा इवन नंबर फ्लोर पर उसके जस्ट ऊपर एन तो एच यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर एन और तो कहीं पर नहीं बना सकते एच यहां बनाएंगे तो उसके ऊपर एल आ जाएगा एच यहाँ पर बनाएंगे तो ऊपर एन तो के लिए जगह नहीं है तो एच यहां पर आपका एन आपका यहां पर अब एम और एल के बीच में एक पर्सन है एल यहां पर है तो एक छोड़कर एम आपका यहाँ पर आ जाएगा के और एच के बीच में तीन पर्सन है एच यहाँ पर है तो वन टू थ्री के गैप के बाद में के आपका यहाँ पर आ जाएगा जो भी पर्सन बचता है आपका वो अब यहां पर आ जाएगा आसान सा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सेकंड्स में एक मिनट में पूरा नहीं लगता एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता पेपर में ठीक है चलो ये क्वेश्चन हो गया अब जल्दी से बताओ जल्दी से सभी बताओ क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है चलो डाउट नहीं है बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे आप सभी का द मोस्ट फेवरेट टॉपिक रीजनिंग में सबसे ज्यादा फेवरेट सभी स्टूडेंट्स का एक टॉपिक होता है आगे हम उसको सॉल्व करते हैं ये रहा आपका फेवरेट टॉपिक चलो ये दोनों क्वेश्चंस हैं दोनों क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व कर लो दोनों ही क्वेश्चंस को आप सभी सॉल्व कीजिए फिर मुझे बताइए पहले मैं आपसे फिर पूछूंगी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और बताइए कि हाँ दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए हैं डन है जल्दी से दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी आकांक्षा मैम मुझे सिलोजिज्म नहीं आता इसीलिए तो लेकर आई हूं और अभी जस्ट रिसेंट मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें सिलॉग्स का आइदर और कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है उसका एक क्विक रिव्यू भी है क्विक रिविजन है आइदर और कॉन्सेप्ट का इन इक्वालिटी का आइदर और और सिलॉग्स का आइदर और जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो जरूर देखें उसे बताइए दोनों क्वेश्चन हो गए सभी के चलिए सभी का हो गया अब पहले इस क्वेश्चन का ये जो पहला सिलॉग्स का क्वेश्चन है उसका बताइए दोनों कंक्लूजन में से कौन सा फॉलो करता है नहीं करता है क्या आंसर होगा पहले क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखो क्या कहता है सम रिप्लाई इज नॉट मैसेजेस रिप्लाई का कुछ पोर्शन है जो कि मैसेजेस में नहीं जाएगा रिप्लाई का कुछ पोर्शन ठीक है सम मैसेजेस आर टेक्स्ट सम मैसेजेस आर टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट इज ईमेल पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो क्या है ईमेल है पहला कंक्लूजन क्या कहता है ओल्ड रिप्लाई कैन बी ईमेल सारा का सारा जो रिप्लाई है वो ईमेल में आ सकता है रिप्लाई जो है वो ईमेल में आ सकता है उसने पूछा ओल्ड रिप्लाई कैन बी ईमेल ठीक ठीक अब जरा देखो रिप्लाई आपका यहां पर है ईमेल आपका यहाँ पर है ठीक है रिप्लाई यहाँ पर ईमेल यहां यहाँ पर क्या इन दोनों के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप आप बता पा रहे हो रिप्लाई और ईमेल रिप्लाई यहां पर ईमेल मेल यहाँ पर दोनों आपस में दूर नजर आ रहे हैं और कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप हम नहीं, नहीं बता पा रहे हैं तो ये क्या है उसने पूछा है कैन बी पॉसिबिलिटी पूछी है तो अगर हम सिंपल चेक करेंगे ओल्ड रिप्लाई इज ई मेल ओल्ड रिप्लाई इज ई मेल क्या होगा कांड से गलत होगा पूछा क्या है कैन बी पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी कांड से वालों की क्या होती है सही होती है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है पूरा का पूरा जो रिप्लाई है वो ई मेल में जा सकता है ठीक है नेक्स्ट सम मैसेजेस और ई इसको सही होने के लिए हमें क्या चीज नजर आनी चाहिए मैसेजेस और ईमेल का कुछ पोर्शन कॉमन नजर आना चाहिए अब जरा देखो ये मैसेज है ये ईमेल है इन दोनों के बीच में जो ये वाला पोर्शन है ये जो मैसेजेस का पोर्शन है जिसको मैंने डाक किया है वो ईमेल में नजर आ तो रहा है मैसेजेस और ईमेल का कुछ पोर्शन हमें डाक मैंने जो डाक किया है वो कॉमन ही तो है तो यहां पर इस क्वेश्चन में दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नो पिंक इज ब्लू कहता है नो पिंक इज ब्लू तो पिंक और ब्लू की आपस में हम लोग करवा देते हैं दुश्मनी ठीक है पिंक और ब्लू की आपस में हो गई है अब दुश्मनी कट्टी चलो ईच ब्लू इज पर्पल ईच ईच मीन्स वॉट ईच जब भी आए तो इसका मतलब है कि ऑल को रिप्रेजेंट करना है ईच का मतलब है ऑल ठीक है ईच ब्लू इज पर्पल यानी कि सारा का सारा जो ब्लू है आपका वो क्या है पर्पल है टेन परसेंट पर्पल इज ग्रीन का मतलब क्या है अगर हंड्रेड परसेंट के अलावा वो कुछ भी नंबर देता है उससे कम ठीक है हंड्रेड परसेंट से अलावा कुछ भी नंबर कम देता है फिर चाहे नाइंटी नाइन परसेंट भी देगा दैट मीनस आपको सम को रिप्रेजेंट करना है ठीक है सम बनाना है तो टेन परसेंट इज ग्रीन यानी कि सम पर्पल इज ग्रीन बनाना है आपको ये हमने बना दिया अब देखो क्या कहता है सम ग्रीन और पिंक इज अ पॉसिबिलिटी सम ग्रीन ग्रीन और पिंक ग्रीन यहां पर है पिंक यहां पर है ग्रीन यहां पर है पिंक यहां पर है तो ग्रीन और पिंक के बीच में कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप हम नहीं बता पा रहे हैं ग्रीन वहां पर है पिंक यहां पर है तो सम ग्रीन और पिंक की जब हम किसी भी दो चीजों के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकते हैं ना तो वो अगर कोई भी उन दोनों के बीच में कोई पॉसिबल कोई पॉसिबिलिटी पूछता है तो वो हमेशा सही होती है जैसा कि पिंक और ग्रीन के बीच में हम नहीं बता पा रहे हैं कुछ भी उसने पूछा सम ग्रीन और पिंक हमें नजर तो नहीं आ रहा सम ग्रीन और पिंक एग्जैक्टली यानी कि कांड से है पॉसिबिलिटी पूछी है तो हंड्रेड परसेंट सही हो गई इसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट सम पर्पल इज नॉट पिंक सम पर्पल इज नॉट पिंक यानी कि इसको सही होने के लिए हमें नजर आना चाहिए पर्पल का कुछ पोर्शन जो कि पिंक से दूर होगा अब देखो पूरा का पूरा पर्पल है ये पूरा पर्पल है ये पिंक है ये पिंक किससे दूर है इस बी से ब्लू से दूर है पिंक इस पूरे के पूरे ब्लू से दूर है अब पर्पल जो है जो पर्पल है ब्लू उसी का ही पार्ट है ब्लू पर्पल का पार्ट है और ब्लू पिंक से दूर है यानी कि इन अ वे आप ये कह सकते हो ना कि पर्पल का कुछ पोर्शन कौन सा पोर्शन ये वाला पोर्शन जो कि ब्लू में आता है वो पिंक से दूर है तो सम पर्पल इज नॉट पिंक हंड्रेड परसेंट सही है क्योंकि पर्पल का कौन सा पोर्शन जो ब्लू लेता है पर्पल का वो पोर्शन जो ब्लू लेता है वो पिंक से दूर है तो यानी कि सम पर्पल इज नॉट पिंक हंड्रेड परसेंट सही है दोनों ही क्वेश्चंस में दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं बहुत जल्दी से बताइए किसी को डाउट है चलो भाई जल्दी से बताओ किसी को डाउट है क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों में दोनों फॉलो करते हैं बहुत फॉलो करते हैं चलो बहुत ही बढ़िया अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ये दोनों क्वेश्चन इनको जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए जब हो जाए आपके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा फिर उसके बाद में मैं आपको कराऊंगी चलिए सभी के कमेंट्स आ रहे हैं डन 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 चलो सॉल्व करते हैं अब इसको क्या कहता है ऑल वाटर इज जूस पहला ये क्वेश्चन करते हैं ऑल वाटर इज जूस बनाया हमने नो जूस इज एल्कोहल जूस और एल्कोहल दोनों आपस में दोस्त नहीं है बन भी नहीं सकते सम एल्कोहल इज ड्रिंक सम एल्कोहल इज ड्रिंक वेन डायग्राम बन चुका है आपका सबसे पहला कंक्लूजन देखो क्या कहता है सम ड्रिंक इज नॉट जूस सम ड्रिंक इज नॉट जूस ठीक है सम ड्रिंक इज नॉट जूस तो जरा देखो ड्रिंक आपका यहाँ पर है जूस आपका यहां पर है हमें पता है नो जूस इज एल्कोहल पूरा का पूरा जो जूस है वो एल्कोहल से दूर है पूरा जूस एल्कोहल से दूर है और ड्रिंक का जो ये पोर्शन है ड्रिंक का इतना पोर्शन ये एल्कोहल के साथ कॉमन है और एल्कोहल के साथ कॉमन है और पूरा एल्कोहल जूस से दूर है इसका मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है सम ड्रिंक इज नॉट जूस ड्रिंक का इतना पोर्शन जूस में नहीं आएगा साफ साफ नजर आ रहा है ड्रिंक का इतना पोर्शन जूस में नहीं आ रहा है बिल्कुल सही है सम वॉटर कैन बी एल्कोहल क्या पूछ रहा है कि वॉटर का कुछ पोर्शन है जो कि अल्कोहल में आ सकता है वॉटर का कुछ पोर्शन एल्कोहल में आ सकता है कैन बी पॉसिबिलिटी पूछी है तो अब जरा चेक करो सम वाटर इज एल्कोहल समल से दूर है और जूस में पूरा का पूरा क्या आता है तो इन अ वे आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो वॉटर है वो अल्कोहल से दूर है पूरा का पूरा जो वॉटर है वो एल्कोहल से दूर है उसने पूछा क्या सम वाटर इज एल्कोहल वाटर और एल्कोहल की तो आपस में बिल्कुल कट्टर दुश्मनी है तो ये तो बिल्कुल गलत है हंड्रेड परसेंट गलत है हंड्रेड परसेंट गलत है उसकी पॉसिबिलिटी उसने पूछा क्या है कैन बी कि कुछ पानी जो है वो अल्कोहल सम वाटर कैन बी अल्कोहल अल्कोहल हो सकता है नहीं हो सकता है हंड्रेड परसेंट गलत है इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है पहला कंक्लूजन फॉलो करता है बताइए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में जल्दी से सभी बताइए पहले मुझे ये बताओ जो अभी सॉल्व किया है इसमें किसी को डाउट है बताइए जल्दी से सभी चलो बहुत ही बढ़िया अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है ओनली अ अफ्यू एयरक्राफ्ट ओनली अ फ्यू रिवाइज कर लो ओनली अ फ्यू क्या होता है सम सम और some दोनों को लेकर चलना होता है तो ओनली अ अफ्यू एयरक्राफ्ट यानी कि सम कियरक्राफ्ट आर प्लेन ठीक है एंड सम आर नोट प्लेन ये दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी है सम प्लेन इज हेलीकॉप्टर सम प्लेन इज हेलीकॉप्टर तो सम प्लेन इज हेलीकॉप्टर ये हमने बना दिया ओनली हेलीकॉप्टर इज पैराशूट ओनली हेलीकॉप्टर इज पैराशूट इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जब हमको मिलता है ओनली ए इज बी यानी कि होता है, है, तो पूरा पूरा का जो है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे All पैराशूट इज हेलीकॉप्टर ये है पैराशूट और हमने इसको कर दिया है स्टार मार्क मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आपको ओनली मिलता है तो क्या करना है जो बीच में आता है उसको स्टार मार्क कर दो क्यों स्टार मार्क करना होता है ताकि आपको याद रहे कि आपने ओल नहीं बनाया आपने ओनली का कॉन्सेप्ट बनाया है और ये जो पैराशूट है जो इसके अंदर है जो ओनली वाला कॉन्सेप्ट लगने के बाद जो बीच में आता है उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होता इस एच के अलावा इस पैराशूट का किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं होगा सिंपल सी बात है और यही चीज अगर आपको कंक्लूजन में ऐसा कुछ दिखता है कि सम पैराशूट के साथ में पी के लिए या ए के साथ किसी के साथ भी रिलेशनशिप बताएगा फिर चाहे वो सिंपल हो या फिर पॉसिबल रिलेशन हो वो गलत ही होगा ठीक है अब जरा देखो पहला कंक्लूजन सम पैराशूट इज एयरक्राफ्ट पैराशूट अभी बताया स्टार मै पैराशूट का इस एच हेलीकॉप्टर के अलावा किसी के साथ लेना देना नहीं हो सकता सीधा सीधा गलत है चेक भी नहीं करना चेक भी नहीं करना सीधा गलत है सम एयरक्राफ्ट इज हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट यहां पर है हेलीकॉप्टर यहां पर है तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के बीच में हमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप नजर ही नहीं आ रहा है एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा तो ये गलत हो गया कांड से तो इसमें दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, दोनों में से कोई भी अब बताओ किसी को डाउट है बताओ किसी को डाउट है अभी अच्छा काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्वेश्चन के सेकंड कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रहा है तो चलो देख लो फिर से ऑल वाटर इज जूस बनाया हमने नो जूस इज एल्कोहल सम एल्कोहल इज ड्रिंक पहला कंक्लूजन सम ड्रिंक इज नॉट जूस ड्रिंक का जो इतना पोर्शन है इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है पूरा का पूरा जूस इस ए से दूर है उसने पूछा है सम ड्रिंक इज नॉट जूस तो ड्रिंक का इतना पोर्शन हमें साफ नजर आ रहा है कि जूस में नहीं जाएगा क्यों जूस में नहीं जाएगा ये वाला पोर्शन इस पूरे पोर्शन से ए वाला ए पूरा का पूरा जे से दूर है पूरा का पूरा आपका जो जे है वो ए से दूर है यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में कभी भी नहीं जाएंगे इन दोनों के एलिमेंट्स अब जैसे जे के बीच में ये डब्ल्यू है ये डब्ल्यू कभी भी ए में नहीं जाएगा क्योंकि जे और ए आपस में बिल्कुल दूर है इनके बीच में कोई भी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है उसने बोला है नो जूस इज एल्कोहल जूस और एल्कोहल बिल्कुल दूर है तो जूस के अंदर अगर डब्ल्यू आएगा तो वो भी ए से दूर होगा ये चीज होती है ठीक है तो पहले ये समझ में आया क्योंकि ए और डी का ये जो पोर्शन कॉमन है पूरा का पूरा ए जे से दूर है तो डी का जो इतना पोर्शन कॉमन है वो भी तो जे से दूर है तो यही तो पूछा है डी का कुछ पोर्शन जे से दूर है यही पूछा है ये सही हो गया नेक्स्ट सम कैन उसने पूछा है कि वॉटर का कुछ पोर्शन एल्कोहल में जा सकता है अभी मैंने आपको बताया जे के बीच में डब्ल्यू है पूरा का पूरा जे ए से दूर है तो जे और ए के एलिमेंट्स आपस में कॉमन हो ही नहीं सकते जा ही नहीं सकते एक दूसरे के बीच में जे के बीच में डब्ल्यू है वो ए में नहीं जा सकता बिल्कुल भी तो ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है ठीक है चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर चलो पहले आप खुद ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइए आप सभी इसे सॉल्व कीजिए बताइए बताइए क्या आंसर होगा इतना टाइम तो लगना ही नहीं है इस क्वेश्चन में एक ही आंसर आया अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का और जितने स्टूडेंट्स के आए हैं अभी सभी के अलग आंसर कैसे करना है इस क्वेश्चन को रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो तो सबसे पहले यहां पर देखो आपसे ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम ये पूछा गया है और आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन को आप समझ कैसे पाओगे यहाँ से इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ से समझ पाओगे तो जब भी आपके सामने कोडेड किसी भी चीज का अब यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस का पूछा गया है ये कोडेड वाला है डिस्टेंस डायरेक्शन कोडेड वाला है ठीक है तो यहाँ पर आपको ये सब पढ़कर इसको याद रखना या कुछ नहीं करना होता इसको पढ़कर दिमाग में बिठाना ऐसा कुछ नहीं होता पर एक चीज चेक करनी होती है आपको पता है आपने answer, आपने आंसर ये सीरीज देखकर ये सीरीज देखकर इसको सॉल्व करोगे और ये सीरीज को फाइनली डी कैसे करोगे वहां से करोगे आपको सिर्फ इतना चेक करना है पी परसेंट क्यू मीन्स पी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू यहां पर पी है यहां पर क्यू है पी एट द रेट क्यू मीन्स पी यहां पर है क्यू यहां पर है पी इक्वल्स टू क्यू पी क्यू पी और क्यू P और Q. मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों बोली कि ये जरूर चेक करो कि पहले P है फिर Q है सभी में सेम होना चाहिए सभी में सेम होना चाहिए अगर सेम नहीं होगा मान लो यहाँ पर आ जाता Q इज टू द वेस्ट ऑफ P. Q इज टू द वेस्ट ऑफ P. तो हम उसका क्या कर देते रिवर्स कर देते अगर Q P के वेस्ट में है तो P उसके ईस्ट में हो जाएगा ठीक है इस तरीके से तो ठीक है हमने पहले ये चेक करना है कि पी क्यू पी क्यू दिया गया है क्योंकि अगर हम इसको क्योंकि जनरली जब क्वेश्चन होते हैं ना तो वो ऐसे दिया होता है कहीं कहीं क्या होता है पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए और आंसर आपका गलत सॉल्व हो तो एग्जामिनर क्या करता है बीच में कहीं पर ना क्यू और पी क्यू और पी दे देता है तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो अगर आपने ये नहीं चेक किया तो उसी के हिसाब से बनाने लग जाते हो और कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं उसमें एक आंसर वो वाली फिगर वाला भी होगा ठीक है चलो इतना किया अब बस इसको हमने चेक कर लिया पी हैश क्यू आर देखो हैश के साथ में क्यू आर यहां पर दो लेटर्स दिए गए हैं वहां पर सभी पी परसेंट क्यू पी एट द रेट क्यूपीक्स टू तो क्यू एक था दो लेटर्स के बीच में एक सिंबल यहां पर एक सिंबल के अब बीच एक सिंबल बीच में पी और क्यू आर इसका मतलब है पी स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्यू आर अगर हम यहां पर ये इंटरजेक्शन का साइन आएगा पी इंटरजेक्शन क्यू आर मीनस पी स्टैंड एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वर्टिकल लाइन ठीक है हम समझ गए ये तो सभी को पता है हॉरिजोंटल लाइन वर्टिकल लाइन क्या होती है हॉरिजोंटल लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है ये ठीक है चलो इतना हमने देख लिया अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है आप ना साइड में इस तरीके से बना लो हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन होती है तो जरा देखो परसेंट का मतलब है नॉर्थ परसेंट का मतलब क्या है नॉर्थ ये हमने बना दिया एट द रेट का मतलब है वेस्ट एट द रेट का मतलब है वेस्ट इक्वाल्स टू का मतलब है साउथ इक्वाल्स टू का मतलब हो गया आपका साउथ हमने साउथ में बना दिया स्टार का मतलब है ईस्ट स्टार का मतलब है ईस्ट अब ये हम क्यों बना पाए तभी बना पाए क्योंकि यहाँ पर सब जगह पर pq pq सेम था ध्यान रखना है pq 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 सेम था अगर ये कहीं पर उल्टा दिया गया होता तो आपको उसका रिवर्स करना होता ईस्ट होता तो वेस्ट करना पड़ता नॉर्थ साउथ होता तो उसके हिसाब से करना पड़ता यहां पर हमें सेम दिया गया था हमने बना लिया अब अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं बस इसका ध्यान रखना है अगर आपको हैश के बाद में दो मिलेंगे इसके बाद में इंटरजेक्शन के बाद में दो मिलेंगे तो क्या होगा ये वाली पूरी की पूरी लाइन होगी उसके एग्जैक्टली exactly बीच में आ जाएगा आपका पी ठीक है चलो और उसने नोट दिया है पी फाइव परसेंट क्यू का मतलब है पी इज फाइव मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू परसेंट का मतलब नॉर्थ ही है अगर बीच में आपको उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी यानी कि उतने मीटर वो दूर है सिंपल सी चीज है अब देखो बनाते हैं इसे पहले ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम कई बार क्या होता है आपको जो सीरीज दिया गया होता है ना आप ये देखो आपको ए और एम का बताना है तो कई बार ना ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी दिए होते हैं तो आप पूरे के पूरे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व मत करो पूरे के पूरे क्वेश्चन को यानी कि शुरू से लेकर चलो एंड तक ऐसा नहीं करो कई बार क्या होता है ए से एम तक जाना है पूरी सीरीज में आपको एक जगह पर दिख जाएगा ए मान लो यहां पर दिख जाएगा एम तो बस आप इतना ही सॉल्व करो इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक है इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है अब यहां पर देखते हैं ए और एम ए आपका यहां पर है एम आपका यहां पर है अब इनका कॉमन क्या है ए और एम का कॉमन क्या है ए और एम का कॉमन है ऐसे यानी कि हमको पूरा ही ये वाला तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा सो एम फोर्टीन इक्वल्स टू इक्वल्स टू का मतलब है साउथ तो एम कहां पर है साउथ में है पी के एम जो है वो साउथ में है किसके पी के कितना 14 मीटर्स, ठीक है फिर P5 फाइव स्टार टी स्टार का मतलब है ईस्ट P जो है वो T के ईस्ट में है P जो है वो T के ईस्ट में है कितना फाइव मीटर्स. P ईस्ट में है किसके T के फाइव मीटर्स. ये हमने बना लिया इसके बाद में T हैश एस पी हैश के बाद में दो लेटर यूज किए गए एस पी अब हैश यूज किया गया यानी कि हॉरिजोंटल लाइन हॉरिजोंटल लाइन तो इसका मतलब है टी जो है वो एग्जैक्टली exactly बीच में है एस और पी के टी एक्टली exactly बीच में है एस और पी के और एस और पी जो क्या है वो हॉरिजोंटल लाइन है ठीक है टी कहां पर है एग्जैक्टली exactly बीच में यानी कि टी एक्टली exactly बीच में है तो एस और पी के तो एस आपका यहां पर आएगा दोनों और एग्जैक्टली exactly बीच में टी और पी फाइव तो एसओ टी पी फाइव हुआ इतना सभी को क्लियर है ठीक है अब आगे यहां तक हो गया अब आगे देखो से लेकर चलते हैं ए से बनाओगे तो ऐसे एक अलग फिगर बनाओगे फिर बाद में कंबाइन करोगे क्यों ऐसा करना चलो Q फाइव एट द रेट एस एट द रेट का मतलब मीटर वेस्ट. तो वेस्ट में है एस के क्यू कहां पर है पांच मीटर वेस्ट में है एस के ये हमने बना दिया इसके बाद में आर सेक्स इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू यानी कि साउथ में तो यानी कि आर कहां पर है आर जो है सिक्स मीटर साउथ में है साउथ में है आर क्यू के ये हमने बना दिया आगे ए एट एट द रेट ए एट एट द रेट उसने बोला है तो इसका क्या मतलब है एट द रेट का मतलब है वेस्ट ए कहां पर है वेस्ट में है किसके आर के अब इसको बनाओ ना बनाओ हमें क्या पता चल गया ए यहां पर आएगा उसने पूछा है एम के रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में यही पूछा है ना ए की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एम तो एम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या होगी ऊपर गए साउथ और ये वेस्ट साउथ वेस्ट होगी ना यहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना ये जरा देखो ये डायरेक्शन है कौन सी सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट बताइए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बताइए सभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है चलिए सभी को समझ में आ गया बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ये मीटर्स का डिस्टेंस होगा चलो कहता है इन द गिवन एक्सप्रेशन ये सेम एक्सप्रेशन है इन द गिवन एक्सप्रेशन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड क्यू ए और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलो जल्दी से सभी इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे साउथ वेस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट है पाइथागोरस। ओके। ए और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है ए यहां पर क्यू यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये अंडर द रूट एट का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स हंड्रेड टेन ठीक है तो आपका आंसर क्या है टेन चलो इसका मतलब सभी को आ गया सभी को समझ में आ गया सो so भी आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली फिफ्टीन से मैं आपका एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ फिफ्टीन से सो so जरूर आना है सभी को अटेंड करना है बिल्कुल जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली exactly वही लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊंगी ठीक है तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टेक केयर केवरीवान